जोधपुर में प्रजा अपने राजा और रानी के साथ बेहद खुश थी। एक दिन राजा और रानी अपने दरबार में बैठे थे, उसी समय वहाँ पर कुछ पक्षियों की आवाज सुनाई देती। यह नर पक्षी की आवाज है, नहीं यह नारी पक्षी की आवाज है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। महारानी, तुम मुझसे शर्त लगा लो। नहीं महाराज, यह नारी पक्षी की आवाज है। तभी राजा अपने नौकरों को बुलाता है, जाओ और पता करो यह नर पक्षी की आवाज है या नारी पक्षी की। अरे यह तो नारी पक्षी की आवाज है। महारानी की जय हो। महारानी आप सही थी और महाराज गलत थे। हाँ मैं जानती हूँ, परंतु आप महाराज को जाकर कहोगे कि महाराज महारानी गलत थी। महारानी आप शर्त हार गई और शर्त के अनुसार आपको 8 वर्ष वनवास में जाकर रहना होगा। उस समय महारानी 2 माह गर्भवती थी, यह बात वह खुद भी नहीं जानती। उसके बाद महारानी जंगल में चली जाती है और एक साधु बाबा की झोपड़ी के पास पहुंचती है। फिर महारानी अपनी सारी कहानी साधु बाबा को बताती और वह उन्हीं के साथ रहने लग जाती। जिस दिन रानी अपने बच्चे को जन्म देती है उसी दिन साधु बाबा की मृत्यु हो जाती। उसके बाद रानी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए लकड़ी काटती है और शहर में जाकर बेच देती है। और ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और महारानी का बेटा 8 वर्ष का हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। वह अपना पेट भरने के लिए जंगल से लकड़ी काटता है और शहर में बेच देता है। उसी मारो पुरुष शहर का राजा सभा बुलाता है और सभी से पूछता है, तुम किसके भाग्य का खाती हो? हम आपके भाग्य का खाती है महाराज, मैं अपनी बेटियों से भी पूछता हूँ। बीना और बेला तुम बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। और इस दुनिया में हर कोई अपने भाग्य का खाता है। गुस्ताख लड़की, ठीक है तुम अपने भाग्य का खाती हो, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने भाग्य का खाती हो। राजा अपने नौकरों को बुलाता है, मेरी लड़की बीना के लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लाओ जिसके पास ना घर हो ना परिवार हो ना ही खाने के लिए कुछ हो। जी महाराज। ए लड़के तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और क्या करते हो? मैं गरीब लकड़हारा हूँ और पेट भरने के लिए लकड़ियाँ काटता हूँ और बेचता हूँ। ये लड़का वैसा ही है जैसा महाराज चाहते हैं। नौकर लकड़हारे को लेकर चले जाते हैं। राजा अपनी लड़की की शादी लकड़हारे के साथ करा देता है। चलो मैं तुमको अपनी झोपड़ी में लेकर चलता हूँ। और लकड़हारा परेशान हो जाता है।